नमस्कार, मैं दिव्या धराधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक की प्रमुख खबरों को। होली का त्यौहार बिहार के साथ साथ पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। इसी बीच होली का रंग भंग न हो, इसके लिए बिहार पुलिस ट्विटर के माध्यम से कुछ गाइडलाइन जारी किया है। साथ ही अपील भी की गई है कि त्यौहार को सही तरीके से मनाएं। होलिका दहन को विवादित स्थलों पर मनाने से रोक लगाई गई है। होली पर्व पर पारंपरिक लोक संगीत के गायन में अश्लील तथा फूहड़ शब्दों का प्रयोग करने पर भी प्रतिबंध लगा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा शुक्रवार को देश भर के सभी डॉक्टरों, चिकित्सकों और मेडिकल स्टोर के मालिकों को यह सलाह दी गई है कि वे मौसमी बुखार, सर्दी व कफ के दौरान मरीज को एंटीबायोटिक्स दवाई लिखने व देने से बचे। दरअसल देश के H3N2 वायरस के मामले देश भर में बढ़ रहे हैं। इस बाबत IMA द्वारा जारी एडवाइजरी को सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया गया है। इस पोस्ट में IMA द्वारा डॉक्टरों व चिकित्सकों को सलाह दी गई है कि वे मौसम व बुखार या कफ के दौरान मरीजों को एंटीबायोटिक्स की दवाई प्रिस्क्राइब करने से बचे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दो महत्वाकांक्षी योजना केंद्र सरकार को बेहद पसंद आई है, जिसकी वजह से दोनों योजनाओं को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। निश्चित तौर पर इन दोनों योजनाओं से जिससे बिहार की प्रतिष्ठा बढ़ी है, खासकर बिहार के जल संसाधन विभाग के लिए यह खास अवसर है, क्योंकि दोनों ही योजनाएं जिन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है वे इसी विभाग की है। दरअसल जल संसाधन के सर्वोत्तम कार्यान्वयन के लिए गंगा जल आपूर्ति योजना और गयाजी डैम को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कार दिया है। केंद्र सरकार का कहना है कि कॉलेजियम व्यवस्था में पारदर्शिता की कमी है, साथ ही केंद्र जजों की नियुक्ति में वे अपना अहम रोल भी चाहता है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मदन लोकुर ने कहा है कि असल में सरकार में पारदर्शिता नहीं है, यह जीरो पारदर्शिता वाली सरकार है। कॉलेजियम की सिफारिशों की फाइलें दबाई बैठी रहती है और बताती भी नहीं कि किस वजह से फाइलें रोकी रखी गई हैं। बिहार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के बयान से एक बार फिर सूबे की राजनीति गर्मा गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे सुधाकर सिंह ने अब अपनी पार्टी राजद के नेता तेजस्वी यादव को ओपन चैलेंज किया है। तेजस्वी द्वारा उन्हें राजद से बाहर करने की चेतावनी पर सुधाकर ने कहा है कि लोकतंत्र में एक जनप्रतिनिधि को हटाने का काम सिर्फ जनता के पास होता है, जनता जो चाहेगी वो होगा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी खान ने एक बार फिर से भारत पर झूठे आरोप लगाने की कोशिश की थी, हालांकि उनके सभी आरोपों पर भारत ने करारा जवाब दिया है। भारतीय राजनयिक सीमा पुजारी ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर आड़े हाथ लिया और उसे आईना दिखाने का काम किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि जहरीली शराब से मौत मामले में पीड़ित परिवार की मदद के लिए सर्वदलीय बैठक में विचार करेंगे। शराबबंदी का फैसला सभी ने मिलकर किया, इसलिए सभी लोग कहेंगे तो बैठकर विचार कर लेंगे। नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी द्वारा पीड़ित परिवार को मुआवजा देने संबंधी प्रस्ताव पर उन्होंने कहा है कि गलती जहरीली शराब पीने वालों की है। मुआवजा पर हम लोग एक बार फिर 2016 में विचार किए थे कि जो शराब बेचा है उसी से दिलवाएंगे, जब तक नहीं देगा तब तक हम लोग देंगे, लेकिन यह मामला कोर्ट में रुक गया। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक और समाज सेवी बिल गेट्स ने बताया कि विभिन्न क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य, विकास और जलवायु परिवर्तन में भारत ने शानदार तरक्की की है। गेट्स ने कहा कि भारत ने दिखाया है कि जब आप नई नई खोजों में निवेश करते हैं तो उसे क्या क्या किया जा सकता है। कोरोना महामारी के दौरान बड़ी संख्या में वैक्सीन बनाने की भारत की क्षमता की भी बिल गेट्स ने तारीफ की और दावा किया कि कोरोना महामारी के दौरान भारत में लाखों लोगों की जान बचाई गई है, साथ ही दुनिया के अन्य हिस्सों में भी लोगों को कई बीमारियों से बचाया गया है। पटना पहुंचती नेहा सिंह राठौड़ ने तमिलनाडु हिंसे पर कहा कि मैं खुद को भी प्रवासी मजदूर ही मानती हूं। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि वहां क्या उनके साथ बर्ताव किया जाता है, लेकिन वो भी मजबूर है। पिछले 15-17 सालों से जो लोग सरकार चला रहे हैं वो लोग बिहार के विकास पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से सवाल किया जाना चाहिए। मैं बस इस मामले में उचित जांच की मांग करती हूँ। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसराइल के रक्षा मंत्री योवाव गैलेंट के साथ बातचीत की। इसराइल और भारत एक दूसरे के महत्वपूर्ण रक्षा परियोजनाओं को बढ़ावा देंगे। दोनों नेताओं ने सैन्य हार्डवेयर के साझे विकास से संबंधित प्रमुख परियोजनाओं पर चर्चा की। इसराइल के रक्षा मंत्री बनने के बाद युवाओं और राजनाथ के बीच यह पहली मुलाकात है। देश में कोरोना के मामलों में एक बार फिर उछाल देखने को मिला है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 300 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के शनिवार को जारी किए गए आंकड़ों की माने तो भारत में 97 दिनों के बाद कोरोना के 300 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 2686 हो गई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इंग्लैंड के दौरे पर है। वहां पर उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में राहुल ने भारत की राजनीतिक हालात, चीन सीमा विवाद, कश्मीर समेत कई मुद्दों पर बात की है, जिस पर अब सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि राहुल जब भी विदेश जाते हैं वो भारत का अपमान करते हैं। इस बार भी उन्होंने ऐसा ही किया है। सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के समर्थन और विपक्ष में कई दलीलें आ रही हैं, जिसमें कहा गया है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक ऐसी कमेटी करेगी जिसमें प्रधानमंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता के अलावा चीफ जस्टिस भी एक सदस्य होंगे। सर्वसम्मति से
फैसला करने वाले जस्टिस के एम जोसेफ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ में जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस सिटी रवि कुमार भी शामिल थे। इंदौर टेस्ट में भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिली 9 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। अब इस सीरीज का अगला मैच 9 मार्च से अहमदाबाद में खेला जाएगा। तीसरे टेस्ट में हार के बाद स्टार क्रिकेटर विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ उज्जैन पहुंचे। इस दौरान विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने शनिवार सुबह महाकाल के दरबार में हाजिरी लगाई। पूर्वोत्तर के 3 राज्य त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड के चुनावी नतीजे आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि आखिर कैसे बीजेपी एक के बाद एक चुनाव जीत रही है। उन्होंने खुद समर्थकों और आलोचकों के मन में उठ रहे सवालों का जवाब दिया। वह दिल्ली में भाजपा के मुख्यालय में चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद पार्टी सदस्यों को संबोधित कर रहे थे। ईडी ने गुजरात की एक कंपनी पर छापा मारकर 3 लोगों को गिरफ्तार किया। एजेंसी ने बताया कि इस दौरान 25 लाख रुपए नकद और 10 करोड़ रुपए मूल्य के हीरे और सोने बरामद किए गए हैं। यह जांच मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम के तहत पावर बैंक ऐप के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले से जुड़ी है। जल्दी मुंबई गोवा मार्ग पर वंदे भारत सेमी हाई स्पीड एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाएगी। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रावत साहेब दानवे ने महाराष्ट्र के विधायकों के एक प्रतिनिधि मंडल को इस बारे में जानकारी दी। यह बात कोंकण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले महाराष्ट्र विधानसभा परिषद के सदस्य निरंजन डावखरे की ओर से साझा की गई है। केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान 2020 में गरीबों को फ्री राशन देने की योजना शुरू की थी। अब इस योजना को 31 दिसंबर 2023 तक जारी रखने की घोषणा सरकार की तरफ से की गई है। सरकार इस योजना पर लाखों करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। इस योजना के अंतर्गत पात्र लोगों को राशन कार्ड बनाया जाता है और सस्ते कीमत पर राशन दिया जाता है। कोविड काल के दौरान इस पात्र लोगों को फ्री राशन भी सरकार की तरफ से मुहैया कराया जा रहा है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर यूनाइटेड किंगडम के कैम्ब्रिज बिजनेस स्कूल में झूठे बयान देकर भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने का आरोप लगा रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि राहुल व्यवसायी और परोपकारी जॉर्ज सोरोस से जुड़े हुए हैं। युवा वैज्ञानिक योगेश्वर नाथ मिश्रा ने दुनिया भर में एक बार फिर भारत का नाम रोशन किया। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से शुरू हुआ योगेश्वर नाथ मिश्रा का कैलिफोर्निया तक का सफर आसान नहीं रहा, लेकिन उनके संघर्षों की जीत हुई और अब उनके बेटे योगेश्वर नाथ मिश्रा कैलटेक नासा की टीम का हिस्सा है। इस टीम ने दुनिया के सबसे फास्ट लेजर सीट इमेजिंग टेक्नोलॉजी की खोज की। इस टेक्नोलॉजी की मदद से आग की लपटों में मौजूद नैनो पार्टिकल्स के स्टडी में मदद मिल सकती है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि उनका मानना है कि हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन है और भविष्य में भारतीय वाहन हाइड्रोजन और हरित ईंधन से चलेंगे। हम हर साल 16 लाख करोड़ रुपए के जीवाश्म ईंधन का आयात करते हैं, लेकिन जल्द ही हमारे किसान हरित ईंधन और हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि निकट भविष्य में भारत लिथियम का एक प्रमुख निर्यातक बन जाएगा, जिसमें लिथियम आयन बैटरी की कीमतों में कमी आएगी। एक वर्ष की अवधि में दुनिया भर के संगठनों द्वारा कंपनियों की बैलेंस शीट और आय वितरण तैयार किए जाते हैं। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को समाप्त होता है। सृजन की इस अवधि को वित्तीय वर्ष के रूप में जाना जाता है। 31 मार्च वित्तीय कामकाज को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण तारीख है। 31 मार्च वित्तीय कामकाज को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण तारीख है, इसलिए इससे पहले आधार पैन कार्ड लिंक करना, बैंक के साथ KYC अपडेट, एडवांस टैक्स फाइलिंग, टैक्स बचाने के लिए निवेश करना और लंबित कर का भुगतान करना ना भूलें। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इन दिनों इंग्लैंड के 10 दिवसीय दौरे पर है। वायनाड के सांसद ने सबसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लोकतंत्र पर लेक्चर दिया था, वहीं अब वो ब्रिटिश संसद में भी भाषण देंगे। इसी के साथ राहुल गांधी लंदन में प्रवासी भारतीयों से मिलेंगे और इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगे। राहुल गांधी लंदन में कई उद्यमियों से भी मिलेंगे और जाने माने थिंक टैंक चैथम हाउस में कई मुद्दों पर अपनी बात भी रखेंगे। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कोयले की खदानों में गड़बड़ी को लेकर बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा है कि पारसा और कांटा कोयले की खदानों को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया था, बावजूद इसके प्रधानमंत्री की कृपा से उनके दोस्त अदानी जी इन खदानों को संचालन कर रहे हैं। इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि कोयले की खदानों ज्वाइंट वेंचर नहीं हो सकता है। भारत के कानून में भी 74% और 36% हिस्सेदारी की बात कही गई है, लेकिन शर्त है कि मालिकाना हक उस राज्य का होगा जिसे खदान आवंटित है। राज्यसभा के सदस्य एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने भारतीय जनता पार्टी नीत केंद्र सरकार के कार्यकाल में देश में मौजूद अन्याय से लड़ने के लिए शनिवार को एक नए मंच की घोषणा की और इस काम में गैर भाजपाई मुख्यमंत्रियों एवं नेताओं समेत सभी से उनके सहयोग करने की अपील की है। सिब्बल ने यहाँ एक संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि वह अन्याय के खिलाफ लड़ाई में लोगों की मदद करने के लिए इंसाफ मंच और इंसाफ का सिपाही नामक वेबसाइट शुरू कर रहे हैं और इस पहल में वकील अग्रणी भूमिका निभाएंगे।
दिल्ली एम्स ने मरीजों के लिए बेड की किल्लत से निपटने के लिए दिल्ली के दो अस्पतालों को टेक ओवर करने का फैसला किया है। इसमें दिल्ली सरकार द्वारा संचालित इंदिरा गांधी अस्पताल और एमसीडी द्वारा संचालित चरक पालिका अस्पताल शामिल है। यह टेक ओवर अगले महीने किया जाएगा, जिससे अस्पताल में बेड की किल्लत दूर की जा सकेगी। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सीबीआई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। 10 मार्च को 2 बजे मामले की सुनवाई की जाएगी। विशेष सीबीआई कोर्ट एमके नागपाल की कोर्ट में मनीष सिसोदिया की तरफ से वरिष्ठ वकील दयन कृष्णन और सिद्धार्थ अग्रवाल कोर्ट में पेश किए गए। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया की फिर से 3 दिन की रिमांड मांगी। सीबीआई ने कोर्ट से कहा है कि मनीष सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। हर रोज करोड़ों लोग ट्रेन से ट्रेवल करते हैं, ऐसे में रेलवे ने अपने कस्टमर्स का यूजर एक्सपीरियंस बेहतर करने के लिए नया फीचर लॉन्च किया है। ट्रेन में ट्रेवल करने वालों के लिए टिकट बुक कराना और भी आसान बनाने के लिए IRCTC एक कमाल का अपडेट ला रही है, जिसके जरिए टिकट बुक कराने के लिए आपको भीड़ में नहीं लगना होगा, साथ ही ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं होगी। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है कुशलेंद्र कुमार सिन्हा, सर्वनेश्वर कुमार, नुन्नू गोलू कुमार, रवि शंकर, MD नौशाद, रजा बाबूलाल मरांडी, MD साकिर हुसैन और महमूद अंसारी। और अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, राज्यों में होने वाले पलायन को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।